टोक्यो ओलंपिक में 50 किलो भार महिला कुश्ती मुकाबले में पहलवान सीमा बिस्ला की हार से उनके परिजनों और गांव में मायूसी छा गई है। कुश्ती मुकाबले में हार के बाद सीमा बिस्ला के पैतृक गांव रोहतक के बढ़ान में लोगों की उम्मीदें टूट गईं और सीमा के पिता ने हार का कारण निजी कोच का न होना बताया है। सीमा बिस्ला के पिता आजाद बिस्ला का कहना है कि उन्हें बेटी से जीत की उम्मीद तो थी, लेकिन अगर उसके साथ उसका निजी कोच होता तो वो पूरे हौसले से खेलती और यकीनन मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाती। गेम में सब जीतने खातिर आए हैं, एक तो हारेगा, दो खेल लेंगे तो एक हारेगा, पर इसका पहली उसकी वाह थी तो इससे उसने ज्ञान मिलेगा कि भाई आगे खेल लगी तो उसने बहुत कुछ सीख कर दी, इससे मेरा पटेगा और फिर आगे फिर लड़ती रहेगी तो कोशिश और ज्यादा करेगी। कितनी उम्मीद थी? उम्मीद तो पूरी पूरी थी। तो क्या मान के चले अब की बार सरकार ने पर्सनल कोच भी नहीं भेजे? पिछली बार ये था कि ओलंपिक के अंदर पर्सनल कोच गए थे, जो उम्मीद थी, कोचेज का दबाव भी था, अब की बार सरकार कोच नहीं भेज पाई, उसका भी कोई प्रभाव है? भाई देख, इतना तो मैंने ज्ञान को ना कि भाई कोचा घर उनका तो, पर वो तो गवर्नमेंट का काम सके, हमारा काम थोड़ा भाई उड़ा तो गवर्नमेंट ने भेजने चाहिए, गवर्नमेंट का काम से, गवर्नमेंट ने अपनी सुविधा बढ़िया करेगा तो बढ़िया रहेगा, भाई कोच जाएंगे, कोच तो बहुत बालक ने ज्ञान मिला है, साथ कोच जागा तो उसका उसने हौसला ही बनाया उसने, और नहीं कोच जाने मरा बालक दबाव में भी आओ। तो मान के चले कि सरकार को कोचिज को भेजना चाहिए था, जो पर्सनल कोच थे वो भेजने चाहिए थे। हाँ तो वो तो सरकार की बात से कि भाई पर्सनल कोच जरूर बालक के साथ भेजना चाहिए, कोई सा भी गेम हो उसमें पर्सनल कोच जागा तो उसमें बालक का हौसला बनेगा, क्यों वो खड़ा देखेगा कि मैं बताओगा तो वो ज्ञान तो ही लड़ेगा। लड़की से बात हुई हो कोई ऐसी बात की भाई हमारे साथ पर्सनल कोच होने चाहिए थे ताकि वो हमें मोटिव करते रहे, कोई ऐसी बात हुई हो? वो तो देख मन तो कोई बात नहीं करी सी, हम तो यह है था भाई राज्य खुशी और अपना काम करिए, या कही थी बेटी या देखिए कितने यूँ नहीं लड़ना से तो एक ने आ राख ये अर्जुन पर न्यू बूझी थी ना समुमर में कि भाई इतने के दिखे से, बोले मैंने तो आँख आँख दिखे है तो अपना इतना हौसला रखिए, हमने तो यो आशीर्वाद दिया था और ठीक है अपना खाना पीना बढ़िया करिए और बढ़िया अपना प्यार तो रहिए सबसे, कोई बात ना, हर जीत तो होगी, न्यू का है मैं कामयाब करनी हूँ, पीछे कमवाने हैं, पीछे कमवाने तो मैं दंगल खेल लूँगी, वहाँ ना कामयाब करनी है, मेरे ऊपर भरोसा है, मैं पूरा न्यू बाबू का है न्यू, तो मैं गलती नहीं होगी मेरे पे, अच्छा। गलती होगी तो मैं पहले बता दूँगी गलती होगी, मैं दूर पहुँचने का शौक से मैंने चाहे मैं कई साल जीतू है रू कोई मन वो नहीं, कुश्ती करनी है जितना मेरा शरीर काम देगा। कितनी उम्मीद थी आपने आज कितनी उम्मीद? हाँ उम्मीद तो पूरी थी, उम्मीद किसी माँ बाप की नहीं होती, फिर भी से हौसला नहीं हारेंगे, उम्मीद है आगे भी आगे खूब से खेल लगी, इतना इसका शरीर काम देगा, इतना खेल लगी। बता दें कि पहलवान सीमा बिस्ला ट्यूनिशिया की सदा हमदी से हार गई है, हालांकि सीमा की हार से उनका परिवार मायूस जरूर हुआ है लेकिन हौसले अभी भी बुलंद हैं। सीमा के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी और मेहनत करेगी और अगले ओलंपिक में देश का नाम रोशन करेगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।